हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। और आज मैं आपकी परेशानी का सलूशन लेकर आई हूँ। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हमारा जो मेकअप है वो टिकता नहीं है, हमारा जो मेकअप है वो काला हो जाता है, या फिर हमारे फेस पर जो फाउंडेशन हम लगाते हैं वो जो है फट जाता है, या फिर हमारे फेस पर पिगमेंटेशन की शिकायत है, ओपन पोर्स की शिकायत है, या फिर छोटे छोटे जो दाग से होते हैं, तिल से होते हैं, उसकी भी शिकायत है आपके फेस पर, और उसके कारण जो है आपका मेकअप अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका लेकर आई हूँ, यानी कि एक छोटी सी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। देन उसके बाद जो है आपको मेकअप करना है। कहीं भी आप पार्टी, शादी या फिर कहीं भी कोई भी फंक्शन में जा रहे हो तो उससे पहले जो है आपको ये रेमेडी यूज करनी है, और रेमेडी यूज करने के बाद जो है आपको फिर अपना मेकअप करना है अपने फेस पर। तो उससे क्या होगा, आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं फटेगा और आपका जो फेस है वो बहुत ही अच्छे से ग्लो करेगा। आप मेकअप ना भी करोगे, आप सिंपली लिपस्टिक वगैरह अप्लाई कर लोगे तो आपको फिर भी जो है ये रेमेडी मेकअप का लुक देगी। तो ये इतनी अच्छी रेमेडी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ वैसे ही आपको भी फॉलो करना है, तभी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, जो भी मैं इंग्रेडिएंट इस रेमेडी में यूज करूंगी वो आपकी सभी की किचन में अवेलेबल होंगे, और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मैं इस रेमेडी को फॉलो करने वाली हूँ, कंप्लीट करने वाली हूँ। तो देखिए, ध्यान से आपको देखनी है फुल वीडियो, और जो है आपको भी फॉलो करना है मेकअप से पहले, या फिर आप जो है इसको एक दिन छोड़ के भी कर सकते हो, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार भी इसको यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो रंग होगा वो फेयर बनेगा, आपके फेस पर पिगमेंटेशन की शिकायत है, झाइयों की है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, या फिर जो आपकी स्किन है वो लूज पड़ गई है, तो इन सब की भी प्रॉब्लम है, तो ये रेमेडी इन सबको भी दूर करेगी। तो देखिए, आपको जो है हफ्ते में 2 से 3 बार तो ये करना ही करना है, या फिर आप मेकअप करते हो आपका मेकअप सही नहीं होता है तो भी आप इस रेमेडी को फॉलो करना है, देन उसके बाद जो है आपको मेकअप करना है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? जी हाँ, लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद जो है ये रेमेडी फॉलो करनी है। तो देखिए, एक आपको बाउल लेना है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मैं तो अपने ऐसे ही फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ, बट आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, तभी जो है आप इस रेमेडी को जो है यूज करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें जो है मैं 1 से 1.5 चम्मच दही लूँगी। तो देखिए, 1 से 1.5 चम्मच आपको दही लेनी है, बिल्कुल जो है पानी वाली दही नहीं लेनी है आपको। तो देखिए, मैं यहाँ पर 1 चम्मच दही ली है मैंने, और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तो देखिए, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और इसमें अब मैं ऐड करूंगी गेहूं का आटा। तो देखिए, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी। तो देखिए, ये कोई कस्तूरी हल्दी नहीं है, ये रेगुलर जो हल्दी हम यूज करते हैं वही हल्दी है। तो यहाँ पर मैंने 1 पिंच के करीब हल्दी ली है, ये हमारे रंग को ब्राइट करेगी, साथ ही साथ जो हमारी डेड स्किन है, डेड सेल्फ है, तो उसको भी डीपली क्लीन करेगी, और जो चावल का आटा है वो हमारे जो फेस पर बालों की ग्रोथ होती है उसको कम करता है। आपके फेस पर बालों की शिकायत है, यानी कि बाल है आपके फेस पर, तो देखिए ये चावल का आटा जो है आपके धीरे धीरे आपके जो बाल हैं उसकी ग्रोथ बहुत कम कर देगा। और दही जो है हमारे नेचुरली हमारे जो गंदगी होती है, हमारे फेस पर जो पिगमेंटेशन होती है, तो उसको रिमूव करता है। और देखिए, यहाँ पर मैंने ये टमाटर लिया है, तो टमाटर को मैंने जो है आधा लिया है यहाँ पर काट कर, और टमाटर को थोड़ा सा मैंने पेस्ट में जो है डिप किया है, और डिप करने के
बाद अपने फेस पर मसाज कर रही हूँ, तो देख सकते हो आप। और इस मसाज को कम से कम 15 से 20 मिनट करना है। तो देखिए इससे क्या होगा, आपका जो फेस है वो डीपली क्लीन होगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है फेस पर सब जो है दूर हो जाएंगी। आपको पिगमेंटेशन की शिकायत है तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और देखिए बहुत सारी जो है कमेंट्स भी आता है बहुत सारे मेरे पास, और बहुत सारी लेडीज़ों की शिकायत होती है कि हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से नहीं होता है, हमारा मेकअप काला पड़ जाता है। तो वो इसलिए पड़ता है क्योंकि आपके फेस पर ओपन पोर्स होते हैं या फिर जो आपकी स्किन है वो रेडी नहीं होती है मेकअप के लिए। तो देखिए इस रेमेडी को आप फॉलो करोगे तो आपका मेकअप भी काला नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 10 से यानी कि 15 से 20 मिनट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर जो है अपने फेस को रिमूव कर दिया है, यानी कि अपने जो फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है। और उसके बाद जो है मैं टॉवल से जो है इसको पोंछ लूँगी अच्छे से। तो आप देख सकते हो पहली स्किन में और आप स्किन में कितना फर्क है। तो देखिए ये नेचुरल ग्लो भी देगी आपको, और आपका जो मेकअप करने से पहले आप इस स्टेप को करोगे तो आपका मेकअप भी बहुत ही अच्छा बनेगा, आपका मेकअप काला नहीं होगा। तो देखिए ये आप ज़रूर ट्राई करें, और इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हो। और जब भी आप मेकअप करें तो मेकअप करने से पहले 5-10 मिनट पहले इस रेमेडी को जो है आप ज़रूर यूज करें। और जब भी आप जो है मेकअप करें तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा बनेगा, आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं होगा और काफ़ी टाइम लो टिका रहेगा। तो देखिए सबसे बाद में जो है मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया था थोड़ा सा और अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है ताकि हमारी स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। तो आप ये स्टेप कर सकते हो या फिर आप अपनी कोई भी फेवरेट क्रीम लगा सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।